वापिस जाने के लिए वसई से ओला बुक किया, गुजरात में सूरत में बंदूक दिखाकर ड्राइवर को लूटा। लूट की गाड़ी को करते थे स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल। पुलिस ने सीसीटीवी मोबाइल के जरिए दो आरोपी को किया गिरफ्तार। दो आरोपी अब भी फरार, साथ में देसी कट्टा बरामद। सीसीटीवी में चार लोग साइड में जाते हुए दिख रहे हैं, ये वही आरोपी हैं। वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ। ओला कैब को वापिस जाने के लिए वसई से बुक किया गया। उसके उत्तर प्रदेश की ट्रेन छूटने का बहाना करके गुजरात के सूरत में ले जाकर गाड़ी से ड्राइवर को धक्का मारा और बंदूक दिखाकर गाड़ी मोबाइल 10,000 लेकर फरार हो गए। गाड़ी के पीछे की सीट निकालकर राजस्थान में दो नंबर के धंधे में चोरी की गाड़ी यूज करते थे। पुलिस के मुताबिक इनके ऊपर राजस्थान में NDPA का मामला दर्ज है। ये वसई विरार में 2-3 महीना रहते हैं और छोटा मोटा घरेलू काम करते थे। चोरी करने का इनका यही उद्देश्य था। गाड़ी चोरी करने का और पीछे की सीट को निकालकर राजस्थान में दो नंबर के धंधे में इस्तेमाल करते थे। माणिकपुर पुलिस जांच कर रही है कि यह ऐसा कितनी चोरी अब तक कर चुके हैं। अक्टूबर के 26 तारीख को रात को 11:30 बजे इस गुने का जो फिरियादी है सचिन हंगे, उसका ओला में उसका अर्टिगा गाड़ी चलता है। उसने वसई वेस्ट में आके उसका पहला भाड़ा भाड़ा छोड़ा, फिर अगला भाड़ा उसका वापी के लिए इसमें से जो आरोपी है चार लोगों ने ये बुक किया था अर्टिगा गाड़ी वापी छोड़ने के लिए। तो वापी जाते हुए जाने के बाद वो चार आरोपी जो है उन्होंने फिरियादी को बोल दिया कि हमारा जो UP का जाने वाला गाड़ी जो है वो छूट गया है, तो हमें सूरत तक छोड़ देते हैं। ऐसा बोल के उसको आगे सूरत तक ले गए। सूरत जाते वक्त इन्होंने उनके पास जो हथियार था बंदूक काउटी कट्टा उन्होंने उसको दिखाया और उसको बोला कि तुम्हारे पास जो भी है वो निकाल के दे दो। तो फिरियादी के पास जो 10,000 रुपये थे, उसका रेडमी का मोबाइल था, वो सब निकाल दिया। आगे जाके करजन टोल नाका जो गुजरात राज्य में है उधर जाके इसको ड्राइवर को वहाँ पे छोड़ दिया और गाड़ी लेके वहाँ से भाग। सर, लोग चोरी किसके लिए करते थे? इनके चोरी करने का मेन उद्देश्य क्या था? इनका मेन उद्देश्य चोरी करने का है राजस्थान में दो नंबर में जो है NDPS वगैरह दारू लाने के लिए उधर ये गाड़ी यूज़ करते थे, तो ये गाड़ी वहाँ पे बेचते। सर, क्या ऐसा इनके ऊपर भी और भी कोई गुनाह दाखिल है ऐसा? जो आपने इधर दो पकड़े हैं उनके ऊपर अभी तक तो कुछ मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जो पाइजी आरोपी है आपने वो दो लोगों के ऊपर NDPS के गुनाह दाखिल है राजस्थान में। सर, ये लोग यहाँ अपने पुलिस स्टेशन हद में ये लोग क्या करते थे पहले, किस तरह से करते थे? इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जय एरिया में रहते वहाँ पे गैस स्टोव सेगड़ी वो रिपेयर करने का, फिर एक दो महीने के में ऐसा एक दो काम गुना करने का और यहाँ से भाग जाने का। सर, क्या इनकी टोली बड़ी है क्या? नहीं, अभी तक तो शामिल कुछ नहीं आया, लेकिन चार लोगों की टोली है। मैं देखा स्टेशन।